तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही भयानक जाने वाली है। आप व्हाट्सएप की चैट देख रहे हो जिस स्क्रीन पे, ये हमारे मतलब एक गिल्ड का मेंबर था जो अब नहीं है, दोस्त भी था। तो बहुत दिन हो गए थे इसे कि मुझसे कोई इतना तकड़ा प्लेयर खिलाओ जो बहुत ही भयंकर खेलता हो। इवन इसका 85 हेडशॉट रेट है, बहुत बड़ी बात होती है 85 हेडशॉट रेट किसी बंदे का, पर इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा भाई मेरे साथ खेल ले, फिर कहते हैं आप तो नूब हो, आपको तो ग्लू वाले गण। इस पर मेरा ईगो बहुत हर्ट हुआ है। फिर मैंने इसे कहा कि जैसे तैसे आ जा तू 1v1, फिर देख ही लेते जैसे तैसे। तो देखो भाई जब क्या करते, क्योंकि हमारे ईगो को हर्ट करेंगे, क्योंकि हम भी कभी भैया वन टैप प्लेयर थे, हालांकि 2 साल हो चुके हैं। बट चलो कोई नहीं, इसका घमंड तोड़ना है हमें आज। तो देखो क्या होता है। निकाल ली, फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मेरे साथ खेलने मानू बड़ा। तो गाइस वन टैप क्या होते हैं, हमने इसे पहले राउंड में बता दिया है। बहुत ही क्लोज रेंज में हेडशॉट मार के अभी से पता लगे कि इसकी एक गलती कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ने हमारी बेइज्जती की है। इवन मैं यार कभी मैं अपने लिए नहीं खेलता, कभी वन टैप वगैरह खुद के लिए नहीं खेलता, बल्कि मैं हमेशा गिल्ड के लिए खेलता हूँ। लीडर की तरह अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, खुद की गेम प्ले नहीं दिखती भाई कभी। बट इन्होंने मतलब हल्के बहुत ले, ऊपर से बेइज्जती इतना कहता भाई तेरे को तो ग्लू वॉल लगानी नहीं आती, अपना सबसे टॉप प्लेयर भेज, यहाँ कोई टॉप प्लेयर है नहीं भाई। तेरा 85 हेडशॉट रेट है तो कोई बात नहीं, 60% हमारा भी होगा। फिर चलो देखते हैं गाइस फिर क्या होता है। मतलब दिल तो मेरा भी बहुत धक धक कर रहा था इसके साथ खेलते हुए, क्योंकि इतना तकड़ा प्लेयर खेलता है। इसने एक बार गिल्ड वर्सेस गिल्ड में हमारे गिल्ड के मतलब सब बंदे ख़त्म थे, एक अकेला बचा था, और इसने 75 लेवल के 4 बंदों की स्क्वाड को अकेले मारा है। तो आप सोच सकते हो कितना भयानक खेलता है, हैकर की तरह खेलता है। बट आज जो इसने बोल रहा है बहुत कुछ बोल रहा है, तो मतलब मुझे दिखाना ही है कि एक लीडर की पावर क्या होती है। तो इन्जॉय द क्लिप। फिर गुस्सा तो बहुत आ रहा था इस पर, मैं बता नहीं सकता इतना गुस्सा आ रहा मुझे। तो ये थोड़ा पीके भी खेलता है, थोड़ा मुझे डैमेज पड़ा, और इसके बाद मैंने ग्लू लगानी शुरू की, फिर उसमें मेडिकेट मारी थोड़ी स्पीड में, सॉरी इसके लिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे बाहर आता हूँ, तो इसको मतलब मैंने सोचा था कि डेजर्ट लेके आएगा दूसरे राउंड में भी वन टैप करने के लिए, लेकिन ये तो एक नंबर का ड्रैग मारने वाला बंदा है भाई, क्या बोल रहा है भाई। जैसे तैसे हम आते हैं, लेकिन इसका पूरा इरादा यहाँ पे एलिमिनेट करने का होता है, पर जैसे तैसे अंदर आता है। फिर इसने जैसे जैसे मतलब कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट राउंड में हम मिलता है। तो इसके पास देखिए मतलब बहुत ही ओपी बनी MP40 लेके आया हुआ लड़का, लेकिन इसे वन टैप का कोई भरोसा नहीं है। जैसे तैसे आगे चलती है गेम प्ले, फिर ये छुपता छुपाता हुआ सामने आता है, फिर चलता है। सॉरी इसके लिए जो हमारे स्पीड ज़्यादा है। इन्जॉय नेक्स्ट क्लिप। मतलब मूवमेंट इसकी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी मूवमेंट है आप देख सकते हो। मतलब ऐसे ही इसने 75 लेवल के बंदों के स्कोर नहीं मारी होगी यार लगता है। और इसकी एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी आईडी नहीं है यार, ये कह रहा है कि मेरी आईडी है, क्योंकि तो अपने दोस्त की आईडी लेके आया, तो चला कितना आया जिस पर बनी MP40 है वही लेके आया। लेकिन मतलब स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी, दिमाग बहुत तेज इस लड़के का, ऐसे ही नहीं खेला जाता। बट यार अब क्या करें, किसके साथ खेल रहा है इसको पता ही नहीं अभी शायद। जैसे तैसे मतलब ये अपनी पूरी स्ट्रेटेजी झोंक देता है, और देखिए यहाँ मेरी गलती है, इसको मैं लेके मतलब नहीं देना चाहिए इतना रूम, बट चलो कोई नहीं। 2x से 20 बहुत ही जाने खेल रहा है, बहुत ही जाने, मतलब कोई नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रेंज लेनी चाहिए गाइस। सो एंजॉय। मत उछल, तुझे तेरी औकात में ढक देंगे, और जनाब ज्यादा पर्सनल लाइफ में मत घुसना हमारी, साले फाड़ के रख देंगे। Nothing can stop me, I'm all the way up, all the way up. भगवान। तो गाइस जो इसे भयानक हेडशॉट लगा है, शायद ये अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा किसने यू टर्न में इतना भयानक हेडशॉट भी मारा था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी उसकी अकड़ नहीं टूटती, क्योंकि गवंडी एक नंबर का है। चलो देखते, ऐसा भी लग रहा होगा आज कि यहाँ किसके साथ खेल रहा है, हालांकि हम इतने प्रो तो है नहीं यार, तो अपना बेस्ट जरूर देंगे, पूरा एक्सपीरियंस झोंक देंगे इसके साथ वन टैप स्किल लेके। स्किल नहीं है गन्स की यार इतनी, बट स्किल है, तो हम
सो इन्जॉय यार, देखो किस तरह से स्टडीज अपनाते हैं, मतलब अपना कवर मत थोड़ा, थोड़ी बहुत गलती होती है लेकिन इतनी भी नहीं। तो यहाँ पे जिस तरह से ग्लू वॉल लगा रहा है, मुझे नहीं पता था कि स्पीड में ग्लू वॉल लगाएगा भी है, बट इतना है कि थोड़ा बहुत। ओह Why are you running? तो गाइस जो उसने पिछले राउंड में भयानक हेडशॉट मारा था, उससे खाके तो मुझे ऐसा लगा ही था कि मतलब ये अपनी फॉर्म में वापस आ गया हैकर की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज हम भी दे रहे हैं, इसका बदला हम जरूर लेंगे गाइस, रुको जरा सब्र करो। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा दिमाग लगता है, मतलब मैं सोचता हूँ कि कहाँ से आएंगे, लेकिन ये वहीं से आता है जहाँ मैं छुपा होता हूँ। तो इस राउंड में बचते बचाते हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ना ही से वन टैप लगता है ना ही मेरा, तो यहाँ तक आते हम। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही गंदी हरकत करता है, इसके बाद जो मेरा गुस्सा होता है बहुत ही हाई लेवल चला जाता है। इसने यहाँ पे एक हरकत ऐसी कर दी जो मुझे नहीं पसंद, इसने मतलब अपना कवर लेने के लिए यार मुझे एलिमिनेट कर दिया। हालांकि इसने बहुत बार एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ देखो आप खुद देख सकते हो, मतलब फाइट नहीं ले पा रहा है, इतना डर रहा है और ऊपर से घमंड इतना इसका कि बोल रहा है मैं वन टैप क्यों गई, और डर इतना रहा है यार, मतलब 85 हाई शॉट रेट है इसका, फिर भी डरता है। तो इस राउंड में बहुत ही मतलब गुस्से में आग बबूला होकर आता हूँ, मतलब इसे नहीं छोड़ने वाला, बहुत ही अपनी पूरी स्पीड मूवमेंट इसमें झोंक देता हूँ, और ये भी अपनी मूवमेंट दिखा रहा है मुझे बहुत ही बुरी तरह से, लेकिन जो मुझे बदला लेना है वो लेना ही है। तो यहाँ पे भी एक ऐसी हरकत करता है नूबड़ा, मतलब इससे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि आई थिंक ये मेडिकेट लेगा वगैरह वगैरह, तो इसमें पैक नहीं होता हूँ, और इसलिए पीछे जाके क्यों मारना वन टैप खेल रहे हो, लेकिन यह फ्रेंडली ख़त्म कर देता है और पीछे आके मैं जो हेड छोड़ दे देता है, लेकिन यह गलत कर दिया है। यार जब कोई बंदा ऐसी हरकत करता है ना तो अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि फ्रेंडली कस्टम होता चैलेंज हो, इवन यार मतलब इतना तो है कि जब हम मेडिकेट मांगने दे रहे थे तो मुझे मेडिकेट मांगने दो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि जीत चाहिए बस, जैसे तैसे हम नजरों में तो गलत है, लेकिन आप बताओ कमेंट में बताना ये सही क्या नहीं है गलत। तो यहाँ पे एक नुबड़ा इमोट भी दिखाता है मुझे, इमोट से सबको यार चीड़ होती है, सब जानते हैं, और हमें इमोट दिखाएंगे और सबको पता ही है कि इमोट दिखाने से हमारा क्या होता, तो उसका बदला भी हम इसी राउंड में लेंगे। तो इन्जॉय, रुको जरा सबर करो। तो यार मुझे इमोट दिखाता है, तो मेरा एक ही मोटिव था कि इसे भी अब हेडशॉट मारना ही है जैसे तैसे, और इमोट दिखाना है मतलब बदला लेना है। तो ये जैसे ही मतलब बैक साइड से मारने की कोशिश करता, तो इसे इतना भयानक यू टर्न में हेडशॉट लगता है कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये देखो पहली फुर्सत में निकल। अब हंसना, अब क्यों नहीं हंसता है भाई, अब हंसना। और यहाँ पे इसे मतलब सोचा भी नहीं होगा इसने कभी, मुझे इतना भयानक फील लगेगा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो गाइस जैसे जैसे हम लास्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, तो बचते बचाते हुए बहुत फाइट लेते हुए लास्ट मोमेंट तक हम अपनी फाइट जारी रखते हैं। मैं उसे बहुत कोशिश करता हूँ वन टैप देने की, लेकिन ये सामने नहीं आ रहा है जैसे तैसे, मतलब इसकी स्पीड भी सही है यार लड़का, मैं नहीं कहता कि बढ़िया खेलता है, मैंने इसकी खुद से गेम प्ले ऑब्जर्व की है, मतलब मेरे को पता है इसकी कमजोरियाँ क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि ये स्कोर को अकेले क्लच कर देता है, तो मैं तो क्या हूँ इसके आगे, बट एक्सपीरियंस मस्ट होता है भाई, स्किल भी चाहिए यार। लेकिन यहाँ पे एक गलती फिर करता है, और ये क्या गलती करता है आप खुद देखो, क्योंकि हमें गलती करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही अपने ग्रेड में ना ही फ्रेंड लिस्ट में, भले ये 75 लेवल के स्कोर को क्लच कर देता है। और फिर यहाँ पे फिर से मतलब छुपन छुपाई करता है, लेकिन हम भी पूरी कवर से खेलेंगे, एक्सपीरियंस झोंक देंगे अपना। और फिर ये बंदा यहाँ से मतलब पीछे घूम के फिर आता है, लेकिन इसका कोई जो इरादे थे पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि पीठ पीछे नहीं मार पा रहा है मुझे, घूम घूम के आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं इसको चलो जाने देता हूँ, क्या पीठ पीछे मैं तो मारूँगा। फिर ये बंदा वहाँ से आता है, यहाँ पे फिर मतलब यहाँ पे एक बॉल लगा सकते हैं हम, और यही मैं करूँगा, और इसने भी लगा दिया। तो यहाँ पे उछल के ऊपर से आएंगे, उसे रेड नंबर पूरा लगेगा गाइस, देखो फिर ये गलती कर गया लड़का, और ये गया, तो इसी में घमंड खत्म। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई मुझे, मैं बता नहीं सकता।
तो होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यार वीडियो मैंने अपने भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड किया, क्योंकि सभी को पता है कि मेरा डिवाइस ना सपोर्ट नहीं करता 3:32 में, तो यार शॉर्ट हट तो पहले ही नहीं लगती उसमें इतना। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड करता अपने फ़ोन में तो मुझे लैग देखने को बहुत ज़्यादा मिलती। तो लेकिन मुझे इसका घमंड तोड़ना था और ये वीडियो यूट्यूब पर भी डालनी थी, इसलिए मैंने HD क्वालिटी में लाने की पूरी कोशिश की है इसको। और हेड शॉट तो जैसे तैसे है, तो यार सबको पता है कि हेड शॉट के लिए डिवाइस तो अच्छा मैटर करता है, पर अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं भी है, 3-4 GB रैम का फ़ोन है या 2 GB रैम का फ़ोन है, तो आप ट्रेनिंग करते रहो यार। मतलब मेरे दोस्तों को पता है कि मैंने जब मेरे पास फ़ोन नहीं था तो 6 मंथ मैंने ब्रोकन टच फ़ोन में 2 GB रैम के फ़ोन में 6 मंथ तक हेड शॉट की प्रैक्टिस की, इसलिए मैं लो डिवाइस में बच्चे हेड शॉट मारता हूँ, तो आपने देखा ही होगा। इसलिए यार स्किल पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होता, सब कुछ हो सकता है अगर आप मेहनत करो। सो Thanks for watching.